नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। हाजिर हूं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आप सब लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त के बारे में अवश्य सुना होगा। एक विद्यार्थी से लेकर एक सन्यासी तक के जीवन में इस ब्रह्म मुहूर्त की बहुत बड़ी महिमा होती है। ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में एक ऐसा चमत्कारिक समय है जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त की महिमा अपने आप में बहुत बड़ी है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त के समय का सही से उपयोग करते हैं तो इस बात को मान लीजिए, आपकी ज़िंदगी आने वाले दिनों में अवश्य परिवर्तित होगी। 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात्रि का चौथा पहर होता है। सूर्योदय के पूर्व के पहर में 2 मुहूर्त होते हैं। उनमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय संपूर्ण वातावरण शांतिमय और निर्मल होता है। देवी देवता इस काल में विचरण कर रहे होते हैं। सत्गुणों की प्रधानता रहती है। प्रमुख मंदिरों के पट भी ब्रह्म मुहूर्त में खोल दिए जाते हैं तथा भगवान का श्रृंगार व पूजन भी ब्रह्म मुहूर्त में किए जाने का विधान है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के आध्यात्मिक लाभ तो है ही, साथ ही साथ आयुर्वेद एवं विज्ञान भी इस बात को मानता है। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको अधिक से अधिक स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में बहने वाली वायु को अतुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से आपके शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। आपके शरीर की सभी नस नाड़ियाँ तरोताजा हो जाती है एवं आपको पहले से अधिक प्रसन्नता का अनुभव होता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री हनुमान ब्रह्म मुहूर्त में ही अशोक वाटिका पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने वेद मंत्रों का पाठ करते हुए माता सीता जी को सुना था। ब्रह्म मुहूर्त और प्रकृति का गहरा नाता है। एक प्रकार से कहें तो ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति पहले से अधिक चैतन्य हो जाती है। ब्रह्म मुहूर्त को अध्ययन के लिए सबसे उपयोगी समय माना गया है, इसीलिए हमारे ऋषि मुनि इस समय में अध्ययन एवं लेखन का कार्य किया करते थे। वैज्ञानिक शोधों से ज्ञात हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में वायुमंडल प्रदूषण रहित होता है। इसी समय वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो कि 41% होती है। शुद्ध वायु हमारे मन मस्तिष्क के लिए अति आवश्यक है। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले लोग सौंदर्य, लक्ष्मी, स्वास्थ्य, आयु, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करते हैं एवं दूसरे लोगों की अपेक्षा उनका जीवन अधिक खुशहाल एवं खुशी होता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।